बॉलीवुड एक्टर आर माधवन अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। माधवन का जन्म 1917 को जमशेदपुर में हुआ था। माधवन का पूरा नाम रंगनाथ माधवन है। उन्होंने रहना है दिल में, थ्री इडियट्स, तनुवेट्स मनु और तनुवेट्स मनु रिटर्न जैसे फिल्मों में एक्टिंग के अलावा राइटिंग, डायरेक्टर और होस्टिंग का भी काम किया है। माधवन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने सारिता विजय से शादी की है। माधवन और सारिता की पहली मुलाकात कोल्हापुर में हुई थी, जहां वो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास अटेंड करने आई थी। उनके मेंटर माधवन थे। जब सारिता को एयर हॉस्टेस की जॉब मिल गई तो उन्होंने माधवन को थैंक्स कहने के लिए डिनर पे इनवाइट किया। बस यही से दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया था। दोनों ने एक दूसरे को करीब 8 साल तक डेट किया और 1999 में शादी कर ली। अब दोनों का एक बेटा वेदांत भी है। फिल्म इंडस्ट्री पर अपने दम पर मुकाम हासिल करने वाला माधवन आर्मी में करियर बनाना चाहते थे, लेकिन अगर वो आर्मी ऑफिसर बन जाते तो दुनिया साउथ की इस क्यूट हीरो को देखने से चूक जाते। माधवन के पिता टाटा स्टील में एग्जीक्यूटिव मैनेजर थे और माँ सरोज बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थी। माधवन की एक बहन देविका रंगनाथन भी है, जो यूके में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। माधवन शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल रहे। उन्होंने साल 1988 में अपने स्कूल को कल्चरल एम्बेसडर के टूर पर कनाडा में रिप्रेजेंट करने का अवसर मिला था। इसके अलावा माधवन एनसीसी कैडेट में भी थे। 1996 में माधवन अपना एक पोर्टफोलियो मॉडलिंग एजेंसी में सबमिट कर दिया था। क्यूट फेस और इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी की वजह से उन्हें एड के ऑफर मिलने लगे। इसके बाद डायरेक्टर संतोष सिवन ने मणि रत्नम से उन्हें अपने अगले प्रोजेक्ट तिरुवर में कास्ट करने को कहा। ये माधवन की पहली फिल्म थी जो सुपरहिट रही। माधवन को फिल्म पाने के लिए ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। उनकी एक के बाद एक फिल्में हिट होती गई और देखते ही देखते वो सुपरस्टार बन गए। 1998 में माधवन ने एक इंग्लिश फिल्म इन्फेर्नो में भी काम किया था, जहां पर वो इंडियन पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आए थे। फिल्म रहना है तेरे दिल में से माधवन को हिंदी सिनेमा में पहचान मिली। साल 2010 में आई फिल्म राजकुमार हिरानी की फिल्म थ्री इडियट्स माधवन की बेस्ट फिल्मों में से एक है। इसके बाद साल 2011 में वो फिल्म तनुवेट्स मनु में नजर आए। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई थी। जिस तरह यह फिल्म हिट हुई, उसी तरह से इस फिल्म का सीक्वल भी लोगों को बहुत पसंद आया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों कमाकर झंडे गाड़ दिए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।